जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद चलते हैं, पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। गिरफ्त में आएगा कोई वजीर आजम है, वो आइन कानून को अपनी जूती के नीचे रोंदे और उसके खिलाफ कोई इदारा कार्रवाई ना करे, तो फिर हर ताकतवर इस मुल्क में आइन और कानून का मजाक उड़ाएगा। आज इमरान नियाजी साहब ने एक बार फिर खुद को नसीम एजाजी साहब के नावल का हीरो बनाने की कोशिश की है कि जैसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की आजादी की वो कितनी बड़ी अलामत है। इमरान नियाजी साहब, आप जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की अलामत बनते हैं, एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर इतना जोर देते हैं, ये एब्सोल्यूट नॉट वहां कहां गया था जब आईएमएफ के आगे आप सरेंडर कर रहे थे, जब स्टेट बैंक को आप फरोख्त कर रहे थे तो एब्सोल्यूटली नॉट किधर चला गया था, जब गरीबों के ऊपर 400 अरब के टैक्सों का बोझ डाल रहे थे तो एब्सोल्यूटली नॉट किधर चला गया था। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जितनी आपके दौर में कॉम्प्रोमाइज हुई है, माजी में किसी हुकूमत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का इतना सौदा नहीं किया। आज आप अपने लोगों को कह रहे थे हक और सच के साथ खड़ा होना है, तो मेरे साथ खड़े हो। आपके साथ खड़े होने का मतलब है कि महंगाई के साथ खड़ा होना, आपके साथ खड़े होने का मतलब है कि बेरोजगारी के साथ खड़े होना, आपके साथ खड़े होने का मतलब है गुर्बत बढ़ती हुई उसको सपोर्ट करना, आपके साथ खड़े होने का मतलब है कि 180 रुपए पे जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेतौकीरी कर दी गई है उसको सपोर्ट करना, आपके साथ खड़े होने का मतलब है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को दोबारा सिर उठाने का मौका देना, आपके साथ खड़े होने का मकसद है कि पाकिस्तान के मीडिया का गला घोंटना, आपके साथ खड़े होने का मतलब है कि अपने मुखालफीन पर झूठे मुकदमे, किरदार कुशी और बोहतान में पीएचडी करना। आप 4 साल का जवाब दें। इमरान नियाजी साहब, आप कोई नए अदाकार नहीं है, कोई नए हुक्मरान नहीं है, आप 4 साल से यही अदाकारियां कर रहे हैं, 4 साल से यही तकरीरें आप कौम को सुना रहे हैं, लिहाजा कौम अब आपकी असलियत जान चुकी है। खाली तकरीरों से आटा, आलू, प्याज, टमाटर, घी, बिजली का बिल या गैस का बिल लोगों का अदा नहीं होता, आपकी तकरीरों से गरीब आदमी उस महंगाई के साथ जो आपने तोड़ी है अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता, आपकी इन झूठी तकरीरों से गरीब आदमी अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाइयां। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी